नमस्कार दोस्तों, आज हम ओम के नियम के बारे में जानकार लेंगे। ओम का नियम, देखो जर्मन के भौतिकविद थे जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने 1827 में, कुछ किताबों में 1826 दिया होता है, तो 1826-27 के अंदर एक प्रतिरोध धारा और वोल्टता, इनके अंदर एक संबंध स्थापित किया। तो इनका नियम क्या था कि कोई भी बंद डीसी परिपथ है तो उनमें से बहने वाली धारा लगाए गए विभव के समानुपाती होगी जब तक कि तापमान और भौतिक अवस्था स्थिर रहे। तो इनका क्या कहना था कि कोई भी बंद डीसी वैद्युतिक परिपथ, तो इनकी देखो कंडीशन क्या थी। पहली कंडीशन थी कि बंद परिपथ यानी परिपथ का प्रकार कैसा है, बंद प्रकार का होना चाहिए, क्लोज सर्किट बंद परिपथ। अब बंद परिपथ क्या होता है इसका मैंने एक अलग वीडियो डाल रखा है, उसमें परिपथों के बारे में ही बताया है। यानी चार प्रकार के होते हैं परिपथ, एक तो होता है क्लोज सर्किट यानी बंद परिपथ, एक होता है ओपन यानी खुला परिपथ, एक होता है लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट, और एक होता है लीकेज यानी क्षण परिपथ। तो चार प्रकार के होते हैं, उनका मैंने अलग वीडियो डाल रखा है। तो पहले इसने कंडीशन क्या डाली कि परिपथ बंद होना चाहिए यानी परिपथ का प्रकार बंद होना चाहिए, डीसी से प्रचालित होना चाहिए, आपूर्ति का प्रकार क्या है यानी डीसी आपूर्ति होनी चाहिए। अब देखो डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा होनी चाहिए, एसी भी हो सकती है, परंतु ऐसी शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है तो ही इस नियम की सत्यापना होगी। यदि इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी परिपथ मिश्रित प्रकार का यानी इंडक्टेंस और रिएक्टेंस विद्यमान हो जाता, कैपेसिटेंस और रिएक्टेंस विद्यमान हो जाता है, उनमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस जो भी है, तो ये विद्यमान हो जाता है तो हम इस नियम की पालना नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें फिर शक्ति गुणांक आ जाएगा, वी और आई इन फेज नहीं रहेगी। तो वी और आई इन फेज रहना आवश्यक है तो इस नियम की हम व्याख्या कर सकते हैं। तो इसीलिए ये कह रहा है कि डीसी आपूर्ति से प्रचलित होना चाहिए, यदि एसी से है तो परिपथ प्रतिरोधी प्रकार का होना चाहिए, उसमें इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस विद्यमान नहीं होना चाहिए, तो डीसी आपूर्ति से प्रचलित होना चाहिए, तापमान और भौतिक अवस्थाएं स्थिर होनी चाहिए। अगली कंडीशन क्या कह रहा है कि तापमान स्थिर होना चाहिए, तापमान स्थिर होना चाहिए क्यों, क्योंकि पदार्थ तापमान के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट यानी पीटीसी धनात्मक ताप गुणांक, एक होता है एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट यानी ऋणात्मक ताप गुणांक। पीटीसी क्या होता है कि वह पदार्थ जिसका तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है तो वह धनात्मक टेम्परेचर कोएफिशिएंट यानी धनात्मक ताप गुणांक यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और यदि वह पदार्थ जिसका तापमान बढ़ने से प्रतिरोध घटता है, यदि प्रतिरोध घटेगी तो चालकता बढ़ेगी, तो वह पदार्थ जिसका तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घट रहा है या चालकता बढ़ रही है तो वह हो गया एनटीसी। जैसे कि कार्बन एनटीसी होता है, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घट जाता है और चालकता बढ़ जाती है। पीटीसी का क्या होता है, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, चालकता घट जाती है। तो तापमान स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि हम जो व्याख्या करेंगे तो तापमान बढ़ने से हो सकता है अपना जो पदार्थ या युक्ति लगा रखी वो पीटीसी है या एनटीसी इस कारण से प्रभावित हो जाए। तो ये दो प्रकार के मान लो पीटीसी और एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो तापमान स्थिर रहना चाहिए। अगली शर्त क्या डाल रहे हैं कि भौतिक अवस्थाएँ भी स्थिर होनी चाहिए, भौतिक अवस्था ये भी स्थिर होनी चाहिए।
तो क्या कह रहा है कि भौतिक अवस्था। अब भौतिक अवस्था क्या है? कोई भी पदार्थ है, मान लो ये एक चालक है, इसकी भौतिक अवस्था क्या है? इसकी ये तो है लंबाई, ये है इसका कटाक्ष क्षेत्रफल, और ये है धातु की किस्म। मान लो ये लोहे का है या तांबे का है या एल्यूमिनियम का, जो भी है ये इसकी वो किस्म हो गई। तो इस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो भौतिक अवस्था स्थिर होनी चाहिए, क्योंकि किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। ये प्रतिरोध का नियम है, ये मैंने अलग वीडियो डाल रखा है उसमें बताया हुआ है। तो चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, कटाक्ष क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है, और पदार्थ की किस्म पर भी निर्भर करता है। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। तो ये अलग वीडियो है, उसमें इसकी विस्तृत जानकारी दी हुई है। तो हमें यहाँ इतना ही ध्यान रखना है कि भौतिक अवस्था इसकी स्थिर होनी चाहिए। यदि ये नियत है, इस प्रकार का परिपथ है, यानी डीसी से पर क्लोज सर्किट है, डीसी से प्रचालित है, तापमान और भौतिक अवस्था इसकी स्थिर है, तो इस परिपथ में से प्रवाहित धारा वोल्टेज के समानुपाती होगी। तो क्या होगी? प्रवाहित धारा आई वी के समानुपाती होगी। किस कंडीशन में? ये कंडीशन लागू है तो। तो इसने क्या नियम प्रतिपादित किया कि किसी बंद डीसी परिपथ में से बहने वाली धारा लगाए गए विभव के समानुपाती होगी जब तक कि तापमान और भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहे। अब इसको दूसरे शब्दों में कई बार इस प्रकार से भी ले लेते हैं कि कोई प्रतिरोध है और इसके सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, पीडी के बारे में पूछ ले, तो फिर क्या होगा कि किसी बंद डीसी परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा, यानी उत्पन्न होने वाला विभवांतर इसमें से प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। तो इसे दूसरे अलग इस प्रकार से भी बोलते हैं, उस समय क्या हो जाएगा कि वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में V समानुपाती I कहेंगे। अब इसको हम आरेख द्वारा ही समझ लेते हैं दोनों को ही, जबकि मेन नियम I समानुपाती V का है। तो कुछ किताबों में ये दे रखा होता है तो इस कंडीशन में I समानुपाती V हो जाता है, और कुछ किताबों में V समानुपाती I दे रखा है, तो ये मैंने दोबारा बताया ये हो जाएगा। तो क्या होगा? देखो, हम क्या कह रहे थे कि प्रवाहित धारा V के समानुपाती होगी, यानी I समानुपाती V, यानी इसका आरेख ही बना लेते हैं। मान लो प्लस माइनस आपूर्ति सप्लाई स्रोत है, संबंधक युक्ति है, नियंत्रण युक्ति है, और उपभोग युक्ति है। मान लो ये लैंप लगा दो, चाहे रेजिस्टेंस लगा दो, जो भी है ये है। अब देखो, यहाँ पर यदि हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इसमें से प्रवाहित धारा का मान बढ़ेगा, किस में? अनुपात में। मान लो यहाँ पर हम लगा रहे हैं 10 वोल्ट, इस कंडीशन में मान लो इसमें से प्रवाहित धारा है, उदाहरण के तौर पर मान लो 2 एम्पियर, तो हम कह सकते हैं कि वी आई, यदि वी का मान 10 वोल्ट है, इस समय प्रवाहित धारा कितनी है? 2 एम्पियर। यदि V का मान 2 गुना कर दे, ये देखो I अनुसरण कर रहा है V का, यानी V दुगुना होगा तो I दुगुनी हो जाएगी, V तिगुना होगा तो I तिगुनी हो जाएगी, V आधा होगा तो I भी आधी हो जाएगी। यहाँ I जो अनुसरण कर रही है वो V का कर रही है। तो देखो, यदि V 10 है तो हम कह रहे हैं कि 2 एम्पीयर। यदि यहाँ V का मान बढ़ाकर 20 वोल्ट कर दिया जाए तो इसमें से प्रवाहित धारा 2 गुनी हो जाएगी, पहले 2 एम्पीयर ही, अब कितनी हो जाएगी? 4 एम्पीयर। यदि V को बढ़ाकर 3 गुना कर दिया जाए, मान लो 20 की बजाय 30 वोल्ट है, तो प्रवाहित धारा क्या होगी? ये तिगुना हो गया, तो I भी तिगुनी होगी, यानी कितनी हो जाएगी? 2 की बजाय 6 एम्पीयर हो जाएगी, 3 गुनी होगी। यदि V को आधा कर दिया जाए, मान लो 5 वोल्ट है, तो I भी आधी हो जाएगी, 2 एम्पियर की जगह कितनी हो जाएगी? 1 एम्पियर। तो हम यानी I V के समानुपाती है। यदि V में I का भाग लगाते हैं V अपॉन I, तो एक स्थिर राशि मिलती है, स्थिरांक,
या नियतांक कह सकते हैं हम, एक स्थिर राशि मिलती है। देखो वी के अंदर आई का भाग लगा रहे हैं, पहली कंडीशन इसके अंदर, यहाँ वी का मान कितना है 10, आई का मान कितना है 2, भाग लगा कितना आ गया 5। दूसरी अवस्था के अंदर कितना है, वी का मान कितना है 20, आई का मान कितना है 4, कितना हो गया 5। तीसरी कंडीशन 30 में 6 का भाग लगा रहे हैं 5, अगली कंडीशन 5 में 1 का भाग लगा रहे हैं 5। देखो सभी में 5 एक स्थिर राशि मिल रही है या स्थिरांक मिल रहे हैं, और इस स्थिरांक को कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है, धारा प्रवाह में प्रस्तुत विरोध, यानी ये स्थिरांक क्या हो गया, प्रतिरोध। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, वी अपॉन आई बराबर प्रतिरोध। प्रतिरोध का प्रतीक आर और मात्रक ओम, ओम जो इसने यानी साइमन ओम ने जो प्रतिपादित किया तो अपने नाम पर ही रखा। तो ये आर क्या है कि धारा प्रवाह में प्रस्तुत विरोध, यदि किसी चालक में से धारा प्रवाहित होती है तो चालक उसमें अपने में से प्रवाहित धारा का विरोध करता है, इसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध का प्रतीक हो गया आर और मात्रक हो गया ओम। ओम को इस प्रकार से भी, यानी ओम का प्रतीक इस प्रकार का होता है, यानी यह ओम का प्रतीक है। तो यह है ओम। अब देखो इससे हम अलग अलग सूत्र भी बना सकते हैं, किस प्रकार से बनाएंगे, ये क्या हुआ है अपना R बराबर V अपॉन I। यदि I ज्ञात करना है तो पक्षांतर कर लो, I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। यदि V ज्ञात करना है तो V बराबर क्या हो जाएगा, इसको पक्षांतर करके सूत्र क्या बना रहे हैं, R इंटू I, तो R इंटू I। तो ये इससे हम दो नए और सूत्र भी बना सकते हैं। अब इसे ओम के नियम के तिकोना से भी हल कर सकते हैं। ओम का नियम का तिकोना क्या है, ये है V, ये है I और ये है R। यदि V ज्ञात करना हो तो V बराबर हो जाएगा R इंटू I, यानी I इंटू R का जो चाहे कहो चाहे R इंटू I कहो, तो V बराबर क्या हो जाएगा I इंटू R, ये रहा I इंटू R या R इंटू I। I ज्ञात करना हो तो V अपॉन R, यानी I ज्ञात करना हो तो V अपॉन R, I V अपॉन R, R ज्ञात करना हो तो V अपॉन I, V अपॉन I। तो इस प्रकार से इनको अलग अलग हल कर सकते हैं। अब जो ओम के नियम का मैंने दूसरी जो परिभाषा इसकी बताई उसमें क्या होता है कि देखो एक्चुअल परिभाषा तो यही है इसकी कि I है वो V के समानुपाती होगी या I V का अनुसरण करेगी, जबकि कुछ किताबों में इसकी परिभाषा को तो चेंज करके भी दे रखा है। उसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम वोल्टेज को वेरिएबल कर देते हैं, यानी लगा दिया यहाँ पे धारा परिवर्तन करने के लिए एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया। अब यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाओ, एक एम्पेयर मीटर मान लो यहाँ पर लगा दिया। अब हम धारा को परिवर्तित कर रहे हैं इस वेरिएबल प्रतिरोध के द्वारा, यहाँ वोल्ट परिवर्तन करेंगे तो ये धारा परिवर्तित हो जाएगी, यानी मेन मकसद तो यही रहेगा परंतु इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ धारा को परिवर्तन कर रहे हैं, अब मान लो पहले यहाँ पर एक एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पर वोल्टेज मान लो इस मान लो कि 10 वोल्ट है उदाहरण के तौर पर मान लो। अब धारा को यदि दो गुना कर दिया, दो एम्पेयर कर दिया, तो इस पर भी वोल्टता का मान दुगुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। तो इस नियम के अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि V समानुपाती I, यानी V I का अनुसरण कर रही है, I को हम बढ़ा रहे हैं इस रेजिस्टेंस का मान परिवर्तित करके, तो वोल्टेज भी बढ़ रहे हैं, जबकि एक्चुअल परिभाषा अपनी जो पहले बताई वही है इसकी। अब देखो ओम के नियम से जो ग्राफ बनता है वो भी एक बार एग्जाम में पूछ लिया, किस प्रकार का ग्राफ बनता है, आरेख किस प्रकार का होता है, तो वो आरेख आनुपातिक होता है। किस प्रकार का होगा, देखो ओम के नियम से देखो, मान लो ये है V और ये है I, V और I। अब ग्राफ का नियम क्या है, ग्राफ के अंदर एक तो होता है x अक्ष,
और एक होता है वाई एक्स, यही होता है x के अंदर ये x x डैश y y डैश, यानी ये ऋणात्मक y, ये धनात्मक y, ये धनात्मक x, ये ऋणात्मक x। चार चतुर्थांश बनते हैं, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। प्रथम चतुर्थांश में सभी मान धन होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में y धन है, x ऋण है, तृतीय चतुर्थांश में सभी ऋण होते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश में x धन है और y ऋण है। अब जो मेन x अक्ष है इस पर मेन राशि लेनी है जिसको हम परिवर्तित कर रहे हैं, और जो सहायक राशि इसके साथ में जो दूसरी राशि परिवर्तित हो रही है वो वाई एक्स पर लेनी होती है हमें। अब मान लो यहाँ हम नियम की व्याख्या कर रहे हैं कि v को परिवर्तित करने पर i में क्या होगा, तो v x अक्ष पर आ जाएगा और y x पर आएगा, यानी ये तो रहेगा v और ये रहेगा i। यदि इसकी दूसरी परिभाषा से हमने यहाँ किया ना कि i में परिवर्तन करने पर v में परिवर्तन हो जाएगा, तो उस समय i यहाँ आ जाएगा और v यहाँ आ जाएगा, क्योंकि मेन i में परिवर्तन कर रहे हैं, v में क्या होगा तो i यहाँ आएगा और v यहाँ आएगा। जबकि मेन अपना नियम के आधार पर हम देखें तो हमारा यही रहता है i समानुपाती v, तो i समानुपाती v है, तो यहाँ यानी i में परिवर्तन कब होगा, v के अनुपात में, यानी v को चेंज कर रहे हैं तो i में परिवर्तन हो रहा है, तो v मुख्य राशि हो गई v, यानी वोल्टेज में जो परिवर्तन कर रहे हैं तो धारा में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो ये हो गया v और ये हो गया i। अब देखो इस आरेख ग्राफ में ले लेते हैं, इसी उदाहरण को ले लेते हैं, v का मान 10, तो मान लो ये ग्राफ है 0, ये हो गया v और ये हो गया i एम्पियर में। यहाँ मान लो इसको आरेखित करते हैं कि एक बड़ा खाना बराबर 10 वोल्ट है, तो 10 से 20 30 40 50, इधर ले लेते हैं कि एक बड़ा खाना बराबर 1 एम्पेयर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, ये 1 एम्पेयर है, 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे मान लो 10 वोल्ट, 20 30 40 50, इस प्रकार से। अब देखो पहला क्या है, v का मान क्या है 10, i का मान कितना है 2 एम्पीयर, ये हो गया 10। अगली कंडीशन में क्या है, 20 वोल्ट है तो 4 एम्पीयर, 20 वोल्ट है तो 4 एम्पीयर, 30 वोल्ट है तो 6 एम्पीयर, 30 वोल्ट है तो 6 एम्पीयर, 5 वोल्ट है तो 1 एम्पीयर, ये हो गया 10, ये हो गया 5, 5 है तो 1। अब इस आरेख को देखते हैं तो ये आरेख एक अनुपातिक बनेगा, यानी एक सरल रेखा की भांति बनेगा, तो ये जो आरेख बनता है ओम के नियम से जो आरेख बनता है वो रैखिक या अनुपातिक प्रकार का बनता है। तो देखो ये अनुपातिक यानी अनुपात में बनता है, अनुपातिक ही रहता है, तो इसे हम रैखिक या अनुपातिक कहते हैं। अभी इससे संबंधित एक प्रश्न हल करते हैं। देखो कई बार पूछ लेते हैं कि एक परिपथ है, मान लो परिपथ देखकर भी पूछ लेते हैं या सीधा भी पूछ लेते हैं, मान लो मैं एक परिपथ से ही बना लेता हूँ, मान लो ये सप्लाई स्रोत है, प्लस माइनस ये नियंत्रण युक्ति है, और मान लो यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा रखा है जो भी है। अब किस प्रकार से, मान लो कई बार पूछ लेते हैं कि एक परिपथ है, इसमें से 2 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई लगा रखी है, बताओ R का मान क्या होगा, इस परिपथ इस प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। देखो इस परिपथ में V बराबर कितना दे रखा है, 12 वोल्ट, I बराबर क्या दे रखा है, 2 एम्पेयर, और R बराबर ज्ञात करना है, R बराबर ज्ञात करना है, ये रहा सूत्र अपना, R बराबर क्या होगा, V अपॉन I, तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि R बराबर हो गया V अपॉन I, V का मान क्या है, ये रहा V का मान 12, यानी ये रहा I का मान क्या है 2, तो कितना हो गया 6 ओम, तो R बराबर कितना हो गया 6 ओम, इस प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा 6 ओम। कई बार मान लो R दे रखा होता है, V दे रखा और I पूछ लेते हैं, किस प्रकार से निकालेंगे। अब मान लो यही प्रश्न है, इसमें प्रतिरोध का मान दे दिया कि 6 ओम है, आपूर्ति वोल्ट आपूर्ति सप्लाई का मान 12 वोल्ट है, और ये पूछ लेते हैं कि धारा का मान क्या होगा, इस परिपथ में से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा,
तो धारा निकाल लेंगे किस, देखो अब देखो इसमें क्या दे रखा है, आर दे रखा है, वी दे रखा है, तो हम कहेंगे कि वी बराबर कितना है 12 वोल्ट, आर बराबर कितना है 6 ओम, ज्ञात क्या करना है, आई बराबर क्या होगा ज्ञात करना है, ये रहा आई, आई बराबर क्या होगा वी अपॉन आर, तो आई बराबर हम कैसे निकालेंगे, आई बराबर वी अपॉन आर, वी का मान कितना है 12, आई का मान आर का मान कितना है 6, कितना हो गया 2 एम्पियर, तो इस परिपथ की धारा का मान क्या होगा 2 एम्पियर। कई बार मान लो ये दे रखा है 2 एम्पियर, धारा का मान दे रखा है 2 एम्पियर, परिपथ प्रतिरोध दे रखा है 6 ओम, पूछ लेते हैं कि आपूर्ति वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पर इसका मान क्या होगा, तो ये भी निकाल सकते हैं, किस प्रकार से निकालेंगे, देखो देखो क्या दे रखा है, I बराबर क्या है 2 एम्पियर, R बराबर क्या है 6 ओम, ज्ञात क्या करना है, V बराबर ज्ञात करना है, सूत्र क्या रहेगा, V बराबर है R इंटू आई, तो V बराबर R इंटू आई, R का मान क्या है 6, I का मान क्या है 2, कितना हो गया 12 वोल्ट, तो इस प्रकार से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, तो ये ओम के नियम से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।